हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, पाए लागो। आज हमारे पास आया है रियलमी का रियलमी 10 मोबाइल फ़ोन। इस फ़ोन को हमने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, जहां पे इसका प्राइस हमको 10,000 रुपये से कम का मिला। मतलब यह फ़ोन हमें 9,999 रुपये का 4GB 64GB वेरिएंट का प्राइस है। लेकिन इस फ़ोन के बारे में खास बात यह है कि जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ तब इस फ़ोन का प्राइस आपको 14,000 रुपये में मिल रहा था, लेकिन आज ये फ़ोन आपको सिर्फ 10,000 रुपये के अंडर मिल रहा है। इस फ़ोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जबकि आज के समय में मैक्सिमम फ़ोन जो 10,000 रुपये से कम की प्राइस रेंज में आपको LCD HD प्लस डिस्प्ले देंगे, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले नहीं देते हैं। साथ ही इस फ़ोन में आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि एक और अमेजिंग बात है, क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं, मैक्सिमम ऐसे ब्रांड हैं जो फ़ोन तो लॉन्च कर रहे हैं लेकिन उनकी ब्राइटनेस आपको 500 निट्स से कम मिलने वाली है। इस फ़ोन की जो भी डिटेल है हम सारी उसकी वीडियो चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं, लेकिन आज इस फ़ोन के बारे में सिर्फ इस फ़ोन का कैमरा रिव्यू टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप इस फोन को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका कैमरा रिव्यू वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यहां से आपको एक और जानकारी मिल जाएगी कि इस फोन का कैमरा किस प्रकार से वर्क करता है। इस फोन में जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है वो है 50 मेगापिक्सल का, और उसके साथ एक सेकेंडरी कैमरा है जो है 2 मेगापिक्सल का। साथ ही इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और फोन जो है मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर पे वर्क करता है। तो प्रोसेसिंग में इस फोन के बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप जो भी फुटेज और वीडियो क्वालिटी देखोगे वे सारी वीडियो और फुटेज इसी फोन रियलमी 10 से आने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अभी आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग होते देख रहे हो वो इसी फोन Realme 10 के 50 मेगापिक्सल कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, और यहाँ पे आपको वीडियो क्लियरिटी और साउंड क्वालिटी भी सुनाई दे रही होगी। तो आपको कैसी इसकी वीडियो क्वालिटी और साउंड क्लियरिटी लग रही है इसको कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल तो मुझे इसका जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया वर्क करते हुए दिख रहा है, और जो नॉर्मल जो फ्लावर के नॉर्मल कलर हैं वही हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो इस फ्लावर के एक्चुअल कलर है वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसने किसी भी प्रकार से फ्लावर के कलर को ज़्यादा मात्रा में एक्सपोज नहीं किया है, या कह सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस को जो है इन्होंने नॉर्मल रखा है। एक साइड पर लाइट पड़ रही है, दूसरे साइड पर शैडो है, तो उसके बावजूद भी इसका AI जो है परफेक्ट वर्क कर रहा है और दोनों को इक्वल कर रहा है, दोनों को इक्वल मात्रा में सैचुरेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी पे भी ज़्यादा मात्रा में ब्राइटनेस बढ़ा रहा हो, या कह सकते हैं हम कि वाइट बैलेंस जो है मैक्स कर रहा हो। तो मुझे इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया लगा, और यहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो, वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। जो फ्लावर की पत्तियाँ वो ग्रीन पत्तियाँ हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रीन पत्तियाँ जो है क्लियर नज़र आ रही हैं। इसने ऐसा नहीं किया कि उन ग्रीन पत्तियों को येलो कर दिया, जिसको कहते हैं हम सैचुरेट कर दिया हो, या बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया हो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो नॉर्मल कलर है वही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वीडियो क्लियरिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 1080p में 30fps और 60fps का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपकी वीडियो क्लियरिटी और भी ज़्यादा मात्रा में इन्हेंस हो जाएगी। इसमें आपको 2K 4K का तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन 1080p में 60fps का जो सपोर्ट दिया गया है वो काफ़ी बढ़िया है, और जो इसकी वीडियो कैमरा क्लियरिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि फ़ोन का प्राइस सिर्फ 10,000 रुपये के अंडर है, तो मैं इसकी वीडियो क्लियरिटी को काफ़ी बढ़िया मानूंगा। साथ ही दोस्तों, जो इस फ़ोन का वीडियो कैमरा है उसमें हमें यहाँ पे ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ब्यूटी मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं, और अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार उस ब्यूटी मोड को कितने किस लेवल पे इन्हेंस करना है, किस लेवल पे उसकी जो बेस्ट क्वालिटी हो उसको हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। और उसके बगल पे हमें फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे हमें फिर से बहुत सारे ढेर सारे फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे करीबन 7-8 फ़िल्टर दे रखे हैं, तो फ़िल्टर में भी आप यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो, जो वीडियोज़ की क्लियरिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हो, तो यहाँ पे हम फ़िल्टर का यूज़ करके। और साथ ही में अगर हम इस वीडियो सेटिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 30fps और 60fps का ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पे 30 और 60fps पे वीडियो को शूट कर सकते हो। अगर हम इस फोन के कैमरा के और मोड को देखें तो यहाँ पे हमको फर्स्ट में नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, और इसमें भी हमको 2x जूम का सपोर्ट दिया गया है, और साथ ही में हम इसमें भी 10x जूम तक इसको कर जाते हैं। और उसके बाद जो हमें मोड मिलता है वो है स्ट्रीट मोड का। स्ट्रीट मोड में भी हमको यहाँ पे 50mm का जो लेंसेज है उसका यूज़ करने का दिया गया है, और उसके बाद हमें वीडियो मोड, उसके बाद हमें फ़ोटोज़ मोड का ऑप्शन मिल जाता है। और फ़ोटोज़ मोड में भी हम यहाँ पे 2x की क्लियरिटी और उसके बाद इसको 10x की क्लियरिटी में कर सकते हैं। साथ ही में फ़ोटोज़ मोड में देखें तो हमें यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड का ऑप्शन दिया गया है, उसके ऊपर हमें फ़िल्टर मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी हमें खूब सारे फ़िल्टर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें वीडियो मोड से ज़्यादा फ़िल्टर देखने को मिलते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़िल्टर में ये कितना बढ़िया वर्क कर रहा है।
है, फिल्टर इनका काफ़ी बढ़िया है। साथ ही में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से हम अपनी जो वीडियोज है उसके रेशियो को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें फुल का ऑप्शन मिलता है, तो इससे ये पूरे डिस्प्ले पे इसका जो वीडियोग्राफी होगी जो पूरे डिस्प्ले पे हो जाएगी। साथ ही में हमें 16:9 का मिल जाता है जो कि हम यूट्यूब पे यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमें 4:3 और 1:3 का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों उसी के नीचे हमें AI का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं इसकी AI को इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे जो फुटेज क्लियरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और एक्चुअल में हमें जो स्काई दिख रहा है वो डीप ब्लू दिखने लग गया है। और यहाँ पे इसने फ्रंट में ही लिखा हुआ देखने को मिल जाता है कि आपको ब्लू स्काई दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं AI मोड को डिसेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी इन्हेंसमेंट है वो थोड़ा डाउन हो गई। एक बार मैं फिर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही AI मोड को इनेबल करते हैं इसकी जो फुटेज क्लियरिटी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और यहाँ पे आपको HDR का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसका HDR मोड भी अभी परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फोटोज के कुछ सैंपल को डाल दूंगा, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी फोटोज क्लियरिटी कैसी लगी। दोस्तों इसके बाद हमको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, और पोर्ट्रेट मोड में भी हमें ऊपर की साइड में बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में हम अगर नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे हमें ब्लर इंटेंसिटी को बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन मिल जाता है, जो हम अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके भी कुछ सैंपल कैप्चर करके वीडियो में डाल दूंगा, आप देखिए और खुद बताइए कि आपको नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड में कोई डिफरेंस लगा या नहीं। और इसके बाद जो हमें मिल जाता है वो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा का मोड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी हमें नॉर्मल फोटो खींचने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये 50 मेगापिक्सल में जूम नहीं कर पाता, इसमें कोई भी 1x या 2x जूम का ऑप्शन नहीं मिल जाता है। तो 50 मेगापिक्सल का मोड भी इसका जो है नॉर्मल कैमरा की तरह ही वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पिक्सल डेंसिटी रहती है, फोटोज की पिक्सल क्वालिटी रहती है, और साथ में जो MB रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे अगर हम फोटोज को जूम भी करते हैं तो वो फटती नहीं है। साथ ही में हमें लास्ट में यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें फर्स्ट में ही हमको फिल्म का ऑप्शन मिलता है जिस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ISO को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसकी वीडियोग्राफी को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, जैसी सनलाइट हो या डार्क हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं फिल्म मोड में, और साथ में यहाँ पे फुल डिस्प्ले पे ये वर्क करने लगता है। और इसके बाद जो मोर के ऑप्शन में हमें ड्यूल ब्यूटी का सपोर्ट दिया गया, उसके बाद पैनो मोड, और उसके बाद टाइम लैप्स मिल जाता है। दोस्तों ये फ़ोन जो है 1080p में 30fps पे टाइम लैप्स को शूट कर सकता है, तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और उसमें ये टाइम लैप्स में जूम भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइम लैप्स में 10x तक जूम कर जाते हैं, और अगर इसकी सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में हमें इसका कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि ये 30fps और 60fps पे वर्क करता है या नहीं। साथ ही में जो इसके बाद हमें मोड मिलता है वो मिल जाता है हमें टिल्ट शिफ्ट का। टिल्ट शिफ्ट के द्वारा दोस्तों हम यहाँ पे इसके जो ब्लर इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं कि ब्लर इफेक्ट को हमको एडजस्ट करना होता है। जैसे अभी हमने इस फोन को लैंडस्केप मोड में रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड हमें ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज कर जाएंगे ये ब्लर इफेक्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे फोन को टिल्ट करते जाएंगे इसका ब्लर इफेक्ट भी अपने आप चेंज होता रहेगा। तो इसका यूज करके भी हम काफ़ी बढ़िया ब्लर फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही में यह यहाँ पे भी 2x जूम का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में 2x जूम के ऊपर यहाँ पे 10x जूम का सपोर्ट मिलता है, और हमें यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर फिर से देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों जो टिल्ट मोड है इसमें फोटोज के साथ साथ हम वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाना है हम सिर्फ उसको दिखा सकते हैं, बाकी हम राइट लेफ्ट कहीं से भी इसको ब्लर कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमें मोड मिलता है वो प्रो मोड का मिलता है, उसके बाद हमें स्लो मोशन, और लास्ट में हमें टेक्स्ट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही हम स्लो मोशन पे क्लिक करते हैं तो यह स्लो मोशन में 720p में वीडियो को शूट कर रहा है, 720p में 30fps पे यह स्लो मोशन में वीडियो को शूट कर पाता है, और साथ ही में यह 2x जूम और 3x जूम को ही स्लो मोशन में दे पाता है, इसमें 5x और 10x का आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा की। दोस्तों जो यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इस फोन के 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, और यह फिलहाल 1080p में 30fps पे ही मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का 2K या 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है, और ना ही यह 60fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाता है। लेकिन दोस्तों जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, और आप कमेंट में बताइए कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जो अब रियलमी फ़ोन निकाल रहा है उनमें मुझे कैमरा परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं लग रही है,
जबकि जो ओल्ड फ़ोन थे रियलमी के, जैसा ये रियलमी 10 काफ़ी टाइम पहले आ गया था, तो इसकी कैमरा क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सिर्फ 16 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है, लेकिन उसकी क्लियरिटी को आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी क्लियरिटी कितनी बढ़िया है। दोस्तों, अब कंक्लूजन क्या निकलता है, आप लोगों को ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको हीलियो G99 का प्रोसेसर मिल जाता है और उसके साथ ही आपको एमोलेड डिस्प्ले और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन काफी बढ़िया है, क्योंकि फोन का प्राइस सिर्फ 10,000 रुपए के नीचे है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस फोन के कैमरा रिव्यू की बात भी करें तो इस फोन का कैमरा मुझे जो आया काफी पसंद आया। इसमें जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और उसके साथ जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, वो काफी बढ़िया वर्क करता है और फोन जो है 1080p में 60fps और 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही में इसमें जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, वो भी काफी परफेक्ट वर्क कर रहा है और वो भी 1080p में 30fps पे वीडियो को शूट कर सकता है। और वीडियो की क्लियरिटी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, वीडियो की क्लियरिटी काफी बढ़िया है। क्योंकि फोन का प्राइस सिर्फ 9,999 रुपए है, लेकिन जब ये फोन शुरुआत में आया था तो इस फोन का प्राइस आपको 14,000 रुपए के लगभग पड़ रहा था, लेकिन आज ये फोन आपको सिर्फ 10,000 रुपए के अंडर पड़ रहा है। तो ये फोन आपके लिए एक बढ़िया डील है, लेकिन अगर आपको ये फोन कहीं 9,000 रुपए के अंडर मिल जाए तो एक और अच्छी बात हो सकती है।